लविंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ, चैप्टर इज हिस्ट्री, चैप्टर इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किंग ने किस चीज़ का ऑर्डर दिया, किसको दिया, और कौन कौन से स्टेट थे, और क्या क्या टैक्स, वो कौन कौन से स्टेट टैक्स को पे करता था, वो चीज़ थी, वो चीज़ हमने बताया था। आज का इसी चैप्टर से संबंधित हमारा जो टॉपिक आ रहा है, दैट इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने का संघर्ष। कि जीने का संघर्ष क्या था, वो ये कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस उस समय। अब देखिए फ्रांस की जनसंख्या क्या हो गई, दैट टाइम इन 1715 में उसकी जो पॉपुलेशन थी वो आपकी फ्रांस की थी आपकी 23 मिलियन, जो कि आपकी बढ़कर हो गई 28 मिलियन 1789 में कितनी हो गई 28 मिलियन। अब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है तो वैसे वैसे हमें क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि टॉपिक ही आपका क्या है, जीने का संघर्ष। तो हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दिस लीड रैपिड टू द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब जब पॉपुलेशन बढ़ी इस प्रकार से, बहुत तेजी से डिमांड हुई, वो किस चीज़ की हुई, आपकी फूड ग्रेन, खाने की। अब जब खाने की डिमांड हुई तो यहाँ पर कह रहा है बट प्रोडक्शन नॉट इंक्रीज, जनसंख्या बढ़ रही है, खाने की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट लाइन दी गई द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली। अब यहां पर क्या हुआ कि प्रोडक्शन खाने का नहीं हो रहा था, तो क्या हुआ, एक थी आपकी पाव रोटी, उसकी जब प्राइस थी वो आपकी हाई हो गई। जैसे होता नहीं, जैसे हम जनरल से एक बात आपको सिंपल सा एग्जांपल बता दे रहे हैं कि सपोज दैट आपके क्षेत्र में कोई एक दुकान है और उस दुकान पर ही सारी चीज़ें मिलती हैं, और आपको वहाँ से खरीदने के करीब 20 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है वो आपके क्षेत्र में उस किसी वस्तु का प्राइस को हाई कर देगा। तो वहाँ पर यही चीज़ हुआ कि जब जो पाव रोटी थी उसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या, वो उसकी प्राइस हाई हो गई। प्राइस हाई होने की वजह से लेबर वेजेस वेयर फिक्स। अब यहाँ पर क्या था कि वस्तु की कीमत तो बढ़ रही है, खाने की चीज़ की कीमत तो, लेकिन जो उनका वेजेस था, जो डेली लेबर मजदूरी थी, वो आपकी फिक्स थी, वो नहीं बढ़ रही थी, उसको नहीं बढ़ाया जा रहा, वो उतनी की उतनी थी। नेक्स्ट लाइन द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच। इस वजह से जो क्या था, अमीरी और गरीबी में आपका जो था वो गैप, अंतर होने लगा। थिंग बिकम वर्स्ट व्हेन एवर ड्रॉट और रेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब देखिए यहां क्या हुआ, कुछ कारण और भी थे, जैसे सूखा पड़ गया, सूखा होने की वजह से भी, सूखा पड़ने की वजह से जो यहाँ की जो फसल थी वो आपकी सूख गई। अब देखिए जब ये सब चीज़ें हुई तो होने के बाद दिस लीड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस, क्राइसिस हो गई, सबसिस्टेंस जो आपकी थी क्राइसिस हो गई। क्राइसिस होने पर जैसे होता है ना, सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है जो जीवन उनको अपना चलाना है, उसको चलाने के लिए उनको संकट पैदा हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब देखिए सबस्टेंस क्राइसिस होता क्या है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड आर द एंडेंजर्ड। जैसे हमारा ये चीज कह रहा है कि ऐसी वस्तु जिसका जो साधन हमें चलाना, अगर उसको ना मिले तो हमारा जीवन यापन करता वो खतरे में पड़ जाता है। जरूरत की चीज़ अगर हमें टाइम से नहीं मिल रही है तो उसी को हम बोलते हैं क्राइसिस। अब देखिए यहाँ पर एक काम करिएगा, आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया, आपके बुक में ये डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम के थ्रू मैं ये जो आपका दिया गया, आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे आपका पहला ये टॉपिक था द स्ट्रगल टू द सर्वाइव, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हाउ आर सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स, कि जब सबसिस्टेंस क्राइसिस होगा तो हमें किन किन चीज़ों का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे आपका पहला यहाँ पर दिया गया कि वेड हार्वेस्ट,
बैड हार्वेस्ट का मतलब क्या कि आपकी खराब फसल, अगर खराब फसल हो जाएगी तो वहां पर क्या आएगा, स्कर्सिटी ऑफ द ग्रेन्स, तो यहां पर क्या आएगा, राइजिंग ऑफ द फूड प्राइस, जो कीमत होगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। साथ ही साथ द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय द ब्रेड, अब जो गरीब व्यक्ति है वो लंबे समय तक, जैसे यहां पर क्या है, खाने की चीज अगर वो उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो जो ब्रेड का जो प्राइस हाई है वो लंबे समय तक नहीं खरीद पाएगा, वो नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि जो ब्रेड की जो प्राइस है वो हाई है। तो यहां पर कह रहा है अगर वो लंबे समय तक नहीं खरीद पाएगा तो वीकर बॉडीज, उसकी शरीर, अगर खाने को नहीं कुछ मिलेगा तो क्या होगा, शरीर उसका कमजोर पड़ जाएगा, और जब शरीर कमजोर पड़ेगा तो यहां पर क्या होगा, ये दिया है आपके बुक में पूरा डायग्राम, जब शरीर आपका कमजोर हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, डिजीज एपिडेमिक, शरीर जो होगा बीमार, हमें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, और जब सामना करना, और एक चीज और भी है, जब बीमारी हो जाएगी तो बीमारी होने के बाद क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, तो इससे क्या होगा, मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखिए यहां पर क्या कह रहा है, अगर ये इन चीजों को नहीं खरीद पाएगा तो ना खरीदने के बाद यहां पर दो कारण है, एक तो बीमारी बढ़ेगी तो बीमारी की वजह से लोग मरेंगे, दूसरा कारण ये भी हो सकता है फूड रिसोर्स, अगर लोग को लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, उस दुकान को लूट लेंगे, उस दुकान में तोड़फोड़ मचा देंगे, उस दुकान के मालिक को मार देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, तो भी आपका इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, तो भी आपके मरने वालों की संख्या बढ़ जाए। तो दिस इज द आपका टू टॉपिक, फर्स्ट इज स्ट्रगल ऑफ स्ट्रगल टू सर्वाइव, स्ट्रगल टू सर्वाइव, सेकेंड इज हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन, ये डायग्राम बुक में डायग्राम उसके थ्रू। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक ये कह रहा है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इविजन एंड ऑफ द प्रिविलेज। अब यहां पर क्या था, एक मिडिल क्लास, जैसे तीन स्टेट थे आपके, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, अब यहां पर एक क्लास और आ गया, वो आ गया मिडिल क्लास, वो क्या है, वो ये कह रहा है द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ द न्यू सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास। यहां पर 18वीं शताब्दी में एक आपका ग्रुप और आया, वो आया मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास हु द अर्न देयर वेल्थ। अब देखिए ये मिडिल क्लास कैसे उत्पन्न हुआ, जो गरीब तबके के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, छोटे मोटे व्यापार अपने काम करके, जैसे कह रहा है ना कि वेल्थ थ्रू द एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, व्यापार के थ्रू एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स वूलन एंड सिल्क, ऊनी कपड़े या सिल्क का उन्होंने जो कारोबार किया उसकी वजह से वो क्या हुआ, जो गरीब उनका पैसा आ गया, तो ये आपका किस में आ गया, मिडिल क्लास में। फिर बात आई एन एडिशन टू द मर्चेंट एंड द मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग द प्रोफेशन सच एज द लॉयर। अब इसमें एक और जैसे था ना, इसमें कुछ प्रोफेशनल लोग भी आ गए, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, जैसे आपके प्रशासनिक विभाग के लोग गए या लॉयर वकील, वो भी इस क्लास में आ गए। ऑल ऑफ द वेयर एजुकेटेड एंड द बिलीव डेट नंबर ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी द प्रिविलेज बाय द बर्थ। अब इसने क्या कहा, जैसे तीन स्टेट थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब क्या होता था कि थर्ड स्टेट वाला आपका हमेशा टैक्स देता, तो इनका कहना ये था, इन्होंने ये बोला मिडिल क्लास ने कि जरूरी नहीं कि जो आपका थर्ड स्टेट वाला जो गरीब पर्सन है वही आपका टैक्स दे, कि वहाँ पर क्या था फर्स्ट स्टेट में क्या कौन थे, जैसे पुजारी लोग थे जो चर्च देखते थे, तो उन्होंने कहा क्या इनकी ज़िंदगी हमेशा ऐसो आराम रहेगा, क्या जिंदगी भर इन्हीं को, जो थर्ड स्टेट वाले हैं, जो किसान है या आर्टिसन है, क्या इन्हीं को टैक्स पे करना है। तो मिडिल क्लास वालों ने इस चीज का विरोध किया, बोले नहीं, दिस इज नॉट फेयर। तो उन्होंने क्या बोला, रेदर पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, इस चीज पर उनको डिपेंड नहीं किया जाए। अब यहां पर बात आई, दो लोग थे आपके, एक थे आपके जॉन लॉके टू ट्रीट ऑफ द गवर्नमेंट, इन्होंने दो बुक्स लिखी, एक बुक्स लिखी द ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट और एक मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ द लॉ, इन दोनों ने अपनी बुक में यह दिया कि डिवीजन पावर सिंगल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहे, कि जो राजा है, जैसे हमारे देश में होता नहीं है अलोंग लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, उन्होंने कहा कि जो पावर है पावर सबके हाथ में देनी चाहिए, कि सिंगल एक ग्रुप ही टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपके आज मैंने तीन टॉपिक लिए,
और तीन टॉपिक्स में आपको जो बताया, अब अभी तक जो बात थी, जो कि टॉपिक क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अभी क्रांति की शुरुआत नहीं हुई। अब जो अगला टॉपिक आपका आ रहा है वो आपका टॉपिक आएगा आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, कि क्रांति की शुरुआत, ये हम जो आपका आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई।